अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रुफिया इन द किचन। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं बहुत ही यम्मी और लजीज एक मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी ईद का टाइम चल रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना एक मटन की रेसिपी शेयर की जाए। और बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त ये अफ़गानी मटन की रेसिपी है जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो अभी न्यू है मेरे चैनल पर, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये है 1 किलो गोश्त जिसको मैं यहाँ प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। तो पहले हम गोश्त को गला लेंगे और उसके बाद जो है ना मैं बताऊँगी कि आगे का क्या प्रोसेस है। तो इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का एक क्यूब डाला है, तो ये 1 टेबल स्पून जिंजर है और 1 टेबल स्पून गार्लिक, अगर आप पेस्ट के उसमें डाल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास फ्रोजन क्यूब था तो मैंने 1 क्यूब डाल दिया। और साथ ही मैंने 1 अनियन का पेस्ट डाला है, दरमियाने साइज़ की 1 अनियन का पेस्ट मैंने इसमें डाला है, और 1 कप पानी डालकर मैंने प्रेशर कुकर को गोश्त को गलाने के लिए रख दिया है। अच्छा, ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं जो हूँ उसको ग्राइंड करने वाली हूँ, जो हमारा मसाला बनेगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने ऐड की हरी धनिया और अदरक, लहसुन और प्याज, हरी मिर्च। तो इन सब का मेजरमेंट भी आपको मैंने शुरुआत में इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर शो किए वहाँ पर लिख दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, और बहुत ही अच्छा सा मैंने स्मूथ पेस्ट ये देखिए बना लिया है। कितना प्यारा और कितना ग्रीन अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसे अब मैं किनारे रख दूँगी और अब मैं एक दूसरा पेस्ट बनाऊँगी जो कि दही और फ्रेश क्रीम का है। तो यहाँ पर मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर दूध की बलाई हमारे पास नहीं होती है। अगर आपके पास दूध की बलाई हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकती हैं फ्रेश क्रीम की जगह पर। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के भर के 2 टेबल स्पून मैंने फ्रेश क्रीम ऐड की है, और 4 टेबल स्पून मैं यहाँ पर दही ऐड कर रही हूँ। जो क्रीम और दही ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि अगर हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो दही और क्रीम को जब हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो वो मक्खन वाली जो है फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसे बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है। अगर आप इसे अच्छी तरह से शेक भी कर लेंगे तब भी ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल इसे 1 से 2 बार बस जो है ना अपना मिक्सर चलाया था, ताकि एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाए, और उसके बाद मैं इसको भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब प्रेशर कुकर ओपन कर दिया है, तो देखें गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन जो मैंने इसमें पानी ऐड किया था और साथ में प्याज ऐड की थी तो उसने थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया है। तो अब मैं इसे हाई फ्लेम पर इतना पकाऊंगी कि इसका पानी पूरी तरह से जल जाए, और गोश्त भी आप अपना ज़रूर चेक कर लें, बहुत ही अच्छी तरह से गला होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर हम अपना गोश्त गलाया है, उसके बाद उतना टाइम नहीं हम इसको देंगे कि ये बाद में किसी प्रोसेस में पके। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें अपने गोश्त को गला लेना है। तो ये देखें पानी इसमें अच्छा खासा है, तो बस अब इसे 5 से 10 मिनट मैं इतना पकाऊंगी कि बहुत ही अच्छी तरह से ये सूख जाए। तो देखिए मैंने इसे 6 से 7 8 मिनट तक पकाया था, तो पानी इसका जो है ना अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो अब ये जो गोश है ये मैं ऐड कर दूंगी, ये जो मैंने ग्रेवी जो मैंने बनाई थी धनिया मिर्चों की, और जिसमें मैंने क्रीम और दही का पेस्ट डाला था, तो अब मैं इसमें गोश को भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं सारे स्पाइसेस ऐड करूंगी, बहुत ही मिनिमम और बहुत ही कम जो है स्पाइसेस हैं, लेकिन फ्लेवर इतना अच्छा आएगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करें। आपकी फैमिली में एक नई रेसिपी होगी, क्योंकि जब हम गोश बनाते हैं तो ज़्यादातर हम स्टू बना लेते हैं, कोरमा बनाते हैं, निहारी बनाते हैं, लेकिन कुछ नया ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह घर में ज़रूर सबको पसंद आएगा। तो ये हैं सारे स्पाइसेस, जिसमें है काली मिर्च और गरम मसाला, चाट मसाला, नमक और कसूरी मेथी। बस ये 5 तरह के स्पाइसेस हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर, तो 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विनेगर। अगर आपके पास विनेगर अवेलेबल नहीं है तो आप लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 लेमन जूस। और साथ ही मैं 1 स्पून जो है ना यहाँ पर ऑयल ऐड कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 से 2 घंटे तक मैरिनेट करें, अगर टाइम नहीं है तो आप एज इट इज़ भी इसे बना सकते हैं। तो देखें कितनी अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है, और इसे 2 घंटे के बाद जो है मैं निकालूँगी।
तो 2 घंटे हो गए थे मैंने इसे फ्रिज में जो है मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तो अब मैंने यहाँ पर ऑयल गरम किया था, 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल गरम किया था। अच्छा, ऑयल को भी आपको हाई फ्लेम पर गरम करना है, बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम पर नहीं रखना है, क्योंकि फिर हमारा गोश्त तो पहले से ही गला हुआ है, तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे नहीं पकाना है। बस हमें इसको एक अच्छा सा ब्राउन कलर देने के लिए इसे फ्राई करना है। तो जितना भी जो ग्रेवी में जो मटन है उसको मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है मटन की बोटियों के ऊपर। तो बस इसी तरह से हमें इसको फ्राई करना है, 2 से 4 मिनट में ही ये फ्राई हो जाएगा। यहाँ पर एक अलग पैन में मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाला है और 2 लौंग और 2 इलायची मैंने ऐड की हैं, और उसके बाद जो हमारी ग्रेवी है जिसमें हमने मटन को मैरिनेट किया था वो सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो बस अब इसे हमें इतनी देर तक पकाना है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए और चिकनाई बिल्कुल ऊपर उतर आए। तो 5 से 10 मिनट इसे पकने के लिए लगेंगे, तो हाई फ्लेम पर आप इसे कवर करके पकाएं, क्योंकि अगर आप इसे खुला पकाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती हैं, तो यहाँ वहाँ भी लगती हैं और कभी कभी हाथ पर भी हमारे लगती हैं। तो इस वजह से आप इसे कवर करके ही पकाएं, तो ये जल्दी से पक जाएगा। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से हमारा मसाला भुन गया है और चिकनाई भी उतर आई है बहुत अच्छी तरह से। तो बस अब इसे 1 से 2 मिनट तक मैं मज़ीद और पकाऊंगी और उसके बाद जो मैंने मटन फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए कितनी अच्छी सी चिकनाई उतर आई है और कितना अच्छा मसाला हमारा भुन गया है। तो बहुत ही मज़ेदार ही अफगानी मटन बनता है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा अगर आपने बनाया है। तो ये जो मटन जो मैंने फ्राई किया था वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। तो जब मैंने इसमें मटन ऐड किया था मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है और अब मैं इसको मटन को जो है ना कोयले की धुनी दूंगी। तो कोयला मैंने बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और उसके ऊपर मैं डालूंगी 1 से 2 लौंग इलायची जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है ताकि इसकी अच्छी सी स्मेल निकले, और ज़रा सा ऑयल डालकर मैं इसे ढक दूंगी। तो यहाँ पर आपको अपना फ्लेम ऑफ कर देना है और 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ढका रहने देना है ताकि इसका धुआं जो है अंदर ही रहे और बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ जाए। तो ये देखें 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे धुनी दी थी और अब मैंने कोयला निकाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। आप पानी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ग्रेवी के हिसाब से। अगर आपको पतली ग्रेवी बनानी है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है, 1 कप पानी ऐड किया है और 1 बॉयल ले लिया है मैंने। और उसके ऊपर मैंने डाला है गर्म मसाला, थोड़ी सी मैंने जो है ना जिंजर की जूलियन डाली है और हरी मिर्च और हरा धनिया से गार्निश किया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना यम्मी और कितना प्यारा कलर आया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मेरे घर में सबको बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी, क्योंकि बच्चे जो है मटन खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर उन्हें रोज़ कोई न्यू रेसिपी के साथ मटन ना बना कर दो तो वो नहीं खाते हैं। लेकिन यह रेसिपी मेरे बच्चों को भी अच्छी लगी थी, तो ज़रूर आप बनाएं और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी न्यू रेसिपी के साथ, जब तक कि आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।